और इसके बाद देवताओं में और दैत्यों में महासंग्राम छिड़ गया। और आगे के प्रसंग में राजा बलि ने एक छत्र साम्राज्य की इच्छा से 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प अपने मन में बनाया और उसी राजा बलि के यज्ञ में भगवान श्री वामन जी महाराज का आगमन होता है। वामन भगवान का स्वरूप कैसा था? बोले बटुक ब्रह्मचारी का स्वरूप था। राजा बलि के यज्ञ में भगवान वामन पहुंचे, ब्राह्मण ब्रह्मचारी का स्वरूप बना करके, तो राजा बलि ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे ब्राह्मण देवता, हमारा यह परम सौभाग्य है कि आप हमारे यज्ञ में पधारे हैं। आपकी जो भी इच्छा हो, आपको जो कुछ भी चाहिए, इस बलि से आप मांग सकते हैं। वामन भगवान ने कहा कि बलि, हमारी तो कोई इच्छा नहीं है, हम तो बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। राजा बलि ने कहा, नहीं, यदि आप आ गए हो तो बिना आपको हम कुछ दिए यहां से भेज नहीं सकते हैं, जाने भी नहीं देंगे। आपको जो चाहिए महाराज आप मांग लो। भगवान ने कहा, राजा बलि, यदि तुम हमें देना ही चाहते हो तो हम तो देखो बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, पहले ही बता दिए, पर फिर भी नहीं मानते हो तो हम ज्यादा कुछ नहीं, हमें केवल 3 पग पृथ्वी दे दो, 3 पग भूमि चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए, केवल 3 पग भूमि। राजा बलि को वामन भगवान के इस बचपना भरी बातों पर हंसी आती है कि अरे ब्रह्मचारी देवता, ब्राह्मण देवता, 3 पग भूमि में आपका क्या होगा? बोले ना महाराज, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हमारा तो इतने से ही गुजारा हो जाना है। राजा बलि ने कहा, कुछ और मांग लो। बोले देखो बलि, ऐसा है कि हमें तो केवल 3 पग भूमि ही चाहिए, दे सकते हो तो तुरंत संकल्प लो और नहीं तो फिर हम चले, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। अब राजा बलि जैसे ही संकल्प करने के लिए उद्यत हुए, उसी समय उनके गुरुजी शुक्राचार्य जी महाराज वहां पर आ गए। खबरदार बलि, रुक जाओ। बलि ने अपने गुरुदेव भगवान की तरफ देखा, गुरुदेव क्या कोई गलती हुई? अरे गलती नहीं, ये महागलती तुमसे होने जा रही है। अच्छा क्या? बोले ये 3 पग भूमि मांग रहा है, 3 पग में पूरी सृष्टि को नाप लेगा। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव ये तो वामन स्वरूपधारी ब्राह्मण देवता हैं, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, हमारा तो यह परम सौभाग्य है कि इनका इस बलि के यज्ञ में आगमन हुआ है, ब्राह्मण देवता का बलि के यज्ञ में आगमन हुआ है, और ब्राह्मण को दान भी करना पड़ता है, तो हमें कहीं जाना नहीं पड़ा, ब्राह्मण देवता स्वयं आ गए, और दान में भी ये हमने इनको कह दिया है कि आपको जो कुछ भी चाहिए आप इस बलि से मांग सकते हैं, तो ये बेचारे मांग भी क्या रहे हैं, केवल 3 पग पृथ्वी, ये तो वामन है। अरे शुक्राचार्य जी ने कहा कि बलि, संभल करके रहो, ये तुम्हें देखने के लिए ये केवल वामन है। बलि तुम इसके चक्कर में मत पड़ जाना। बलि ने कहा, गुरुदेव इस प्रकार नहीं बोला जाता है, हमारे द्वार पर यदि कोई ब्राह्मण देवता आए हैं और उन्हें कुछ चाहिए भी नहीं, केवल 3 पग भूमि मांग रहे हैं, तो उन्होंने क्या मांग लिया है?
ये तो वामन स्वरूपधारी हैं, तीन पग में ये कितनी भूमि नापेंगे। अरे गुरुदेव शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा ये तुम्हें देखने के लिए बलि ये वामन है, और बाकी जब वरदान जब तुम संकल्प कर लोगे ना तो फिर ये वामन 53, 54, 55, 56 सब बन जाएंगे। बोले ये केवल अभी वामन है, फिर 53, 54 बनने में इनको ज्यादा समय नहीं लगना है, ये तीन पग में ही समस्त सृष्टि को नाप लेने वाला है, ये वो नारायण है। बलि ने कहा गुरुदेव मैं यज्ञ किसका कर रहा हूं? उन्हीं पर ब्रह्म परमात्मा श्री हरि का, श्री नारायण का। हो ना हो, भले ही यदि वो नारायण ही वामन के स्वरूप में ब्रह्मचारी का स्वरूप बना करके मेरे यहाँ पर आए हैं, तो मैंने यह मान लिया है कि मेरा यज्ञ सफल हो गया है। मेरे यज्ञ के सफलता में अब कोई त्रुटि नहीं रह गई है, कोई कमी नहीं रह गई है। और गुरुदेव इन्हें इन्होंने केवल हमसे तीन पग भूमि मांगा है, तो मैं तीन पग भूमि देने का संकल्प करता हूँ। बलि ने जैसे ही हाथ में जल लेना चाहा, वामन भगवान अपने कमंडलों से बलि के हाथ में अंजलि में जल दे रहे हैं, तो शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि उस कमंडलों की नाल में जाकर के बैठ गए। उस कमंडल की नाल का जो छेद था उसको उन्होंने बंद कर दिया, और जब खुला हो तब तो जल आए बाहर नली से। वामन भगवान समझ गए कि यह शुक्राचार्य जी की लीला है। कहते हैं बलि रुको अभी देखते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ कचड़ा फंसा हुआ है। और वामन भगवान अपने हाथ में कुश की नोक को लिए और उस कमंडल के नाल का छेदन किए, जिसे शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख ही महाराज फूट गई। शुक्राचार्य जी वहां से चिल्लाते हुए चले जा रहे हैं कि बलि तूने मेरा अपमान किया है, मेरी बात नहीं मानी है, और तेरा सर्वनाश हो जाएगा, तेरा सत्यानाश हो जाएगा, तू कभी सुखी नहीं रहेगा। अब बलि ने कहा कि गुरुदेव आप तो केवल हम दैत्यों के गुरु हैं, जो जगत गुरु हैं, आज वो यदि हमारे सामने खड़े हैं तो इस सांसारिक देह के गुरु की मैं परवाह नहीं करता हूं। और आज राजा बलि ने अपने हाथ में अंजलि में जल लेकर के तीन पग भूमि देने का वामन भगवान को संकल्प दिया, और जैसे ही संकल्प दिया सोई महाराज वामन भगवान अपने उस विशाल काय स्वरूप को धारण करने लगे, और सबके देखते ही देखते महाराज दो पग में उन वामन भगवान ने समस्त सृष्टि को, धरती और आकाश तक की पूरी सृष्टि को नाप लिया। अब बचा तीसरा पग, वामन भगवान ने राजा बलि को ब्रह्म पास में बांध लिया, बंदी बना लिया। बलि अब बताओ मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? दो पग तो मैंने नाप लिए, अब मुझे तीन पग भूमि देने का तुमने संकल्प किया था, तो तीसरी पग की भूमि मेरी कहाँ है? मुझे तीसरे पग की भूमि चाहिए। तो राजा बलि ने वामन भगवान से प्रार्थना किया, क्या? सभी लोग ताली की सेवा करते हुए भजन का आनंद लेंगे, और कुछ देर में ही वामन भगवान का पूजन करके वामन भगवान की दिव्य झांकी का आनंद लेने के बाद हम सभी लोग आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। अभी सभी लोग धैर्य बनाए बैठेंगे। आज हम सभी को श्री कृष्ण जन्म की लीला का आनंद लेना है, श्री कृष्ण जन्म तक लीला को पहुंचाना है, इसलिए आइए हम सभी लोग वामन भगवान के भजन का आनंद लें, तत्पश्चात आगे की कथा में प्रवेश करेंगे।